दिस इज पल्लवी एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड मिरर. और आज हमारे साथ हमेशा की तरह है सोनम. आज मैं और सोनम एक जो अभी स्टोरी निकल के आ रही बॉलीवुड से कि सलमान खान और आलिया भट्ट साथ में एक नई मूवी में दिखेंगे. और ये मूवी किसी और की नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली की है. जी हाँ, जिन्होंने सलमान और ऐश्वर्या के साथ हम दिल दे चुके सनम बनाई थी. तो आजकल का ये जो ट्रेंड चल रहा है कि हीरो 50 साल का, हीरोइन 22 साल की, और जो ये डिफरेंस है उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, मुझे ये लगता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और एक्चुअली ऑडियंस को पसंद आ रहा है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में यही दिखाया जा रहा है. जैसे इंशाल्लाह की अगर हम बात करें तो उसमें सलमान खान है जिनकी एज 53 है, इसमें आलिया भट्ट है जिनकी एज 23 है. तो इनमें कहीं ना कहीं 25 साल 26 साल 27 साल, इतना ज्यादा डिफरेंस है. और इससे पहले हमने देखा कि शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण ने काम किया है, इसमें भी एज डिफरेंस काफी ज्यादा था. अनुष्का के साथ है शाहरुख खान, आमिर खान के साथ है कैटरीना, मतलब ये एज डिफरेंस बहुत है. लेकिन ये जो होता है ना मेकअप, ये सारा जो हमारे एक्टर्स की एज होती है ना सारी, इसे छुपा देता है. तो इसलिए हमें एज दिखती ही नहीं है. ऑन स्क्रीन हमें सब इक्वल इक्वल लगते हैं, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा एज वाले एक्टर्स को एक्ट्रेस के साथ मतलब कॉम्बिनेशन बिठाने में. जी बिल्कुल, आपने सही कहा. अगर बाकी मूवी की बात करें, जैसे सबसे ज्यादा जो पॉपुलर शाहरुख खान साथ जिसकी जोड़ी देखी गई है दीपिका पादुकोण, जो कि उनसे 20 साल छोटी हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मूवीज दी है, जैसे कि ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर. तो कहीं ना कहीं जो 50 साल के, आई मीन 53 साल के जो शाहरुख खान है वो 30 साल के बन जाते हैं और अच्छी खासी जोड़ी के रूप में दिखते हैं हमें सामने. तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे हमने कल बात करी थी कि जब भी बड़े एक्टर्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऐसे लोग जब कोई मूवी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उस मूवी की जो सक्सेस का जो क्रेडिट होता है वो हमेशा इन्हीं को मिलता है. तो क्या आपको लगता है कि ये जो मूवी इंशाअल्लाह आ रही है इसमें आलिया भट्ट को कुछ क्रेडिट मिलेगा? हाँ ऑब्वियसली, मुझे तो ये लगता है कि मिलना चाहिए. लेकिन अब ऑडियंस का तो आप जानती हैं कि सलमान भाई की जो फैन फॉलोइंग है आलिया भट्ट उससे कम्पीट तो नहीं कर सकती. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आलिया भट्ट की फैन फॉलोइंग कुछ कम है, आलिया भट्ट को भी उतना ही पसंद किया जाता है. लेकिन जहां बात आ जाती है सलमान खान की, वहां सारी हीरोइनें फीकी पड़ जाती हैं. तो इसलिए मुझे तो लगता है कि क्रेडिट तो मिलेगा. और दूसरी चीज, संजय लीला भंसाली की आई मूवी, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा क्रेडिट होगा वो संजय लीला भंसाली को दे दिया जाएगा. फिर अगर कहीं थोड़ा कहीं बचा तो आलिया भट्ट को गिना जाएगा, नहीं तो फिर तो सलमान की मूवी है. बिल्कुल आपने सही कहा. आज हमारा जो मुद्दा यही है कि जो ओल्ड एक्टर्स, आई मीन जो 50+ एक्टर्स हैं, कैसे उनकी जो हीरोइनें हैं वो समय के साथ एज उनकी कम होती जा रही. मतलब पहले शाहरुख खान कहाँ, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला के साथ पेयरिंग करते थे, 7 से 8 मूवीज करी उनके साथ. और अब वो उन्हीं की आधी, मतलब 30-25 साल की जो एक्ट्रेसेस हैं, जैसे अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट साथ काम करे. तो ये जो भेदभाव पल्लवी, ये कोई भेदभाव नहीं है. असल में हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें एक्टर्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लेकिन एक्ट्रेसेस की है. जो हमारे पुराने एक्टर्स हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, आज भी वो लोग उस तरह से ही कि मतलब अपने किरदार निभाते हैं. लेकिन अब जो हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे हो गई क्या कहते हैं जूही चावला, ये सारी, जो माधुरी दीक्षित, इन सबको लीड रोल नहीं मिलता है, इन सबको कई साइड रोल में ही गुजारा करना पड़ता है. और अब उनकी जगह ले चुकी हैं आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, इतनी ज़्यादा एक्ट्रेसेस ने इनकी जगह ले ली है कि अब उनका कमबैक करना उसी तरह से मुश्किल है. तो मुझे तो यही लगता है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ओल्ड हीरोज और न्यू एक्ट्रेसेस का ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा लुभाता है ऑडियंस को. डायरेक्टर्स होते हैं वो यही सब दिखाते हैं. तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती हैं कि जितना नया चेहरा होगा उतने ज़्यादा किसी भी फिल्म के चलने के चांसेस होंगे? ये कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच है. चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी जब कोई मूवी देखता है तो या तो वो अपने फेवरेट एक्टर को देखना पसंद करता है या एक्ट्रेस को, या वो कोई नया चेहरा देखना पसंद करता है, क्योंकि नई चीजें हमेशा लोगों को पसंद ही आती है. इस वजह से
शायद जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो ऐसा नया कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं ताकि ऑडियंस को और ज्यादा कनेक्ट कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आजकल की मूवीज को अगर तुम्हें हिट करना तो उनका इंग्रेडिएंट है कि किसी एक खान को ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आजकल नहीं चल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी खान थे उनकी एक एक मूवी फ्लॉप हुई। अगर हम आमिर खान की बात करें तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान, अगर हम सलमान की बात करें तो ट्यूबलाइट, अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो जीरो। लेकिन अगर आप फ्लॉप होने की बात कर रही है, लेकिन जब स्टोरी में दम नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर उसमें खान कोई लीड रोल में है तो वो मूवी एवरेज तो चली ही जाती है। बिल्कुल, खान फैक्टर नहीं होती, खान फैक्टर होना मूवी में काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो देखा जाए तो सलमान खान की संजय लीला भंसाली के साथ दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म थी हम दिल दे चुके शर्म, जो कि अपने में ही एक अमर प्रेम कथा थी और हर किसी को अभी तक वो लोग देखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखना होगा क्या वही मैजिक, वही एक जो केमिस्ट्री थी जो उस मूवी में थी, क्या संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट जो कि 23 साल की हैं, और क्या संजय लीला भंसाली क्या वही मैजिक, वही केमिस्ट्री सलमान खान और आलिया भट्ट के बीच में क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एज फैक्टर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टर्स इनको बेवकूफ बनाना ऑडियंस को आता है, तो कहीं ना कहीं आलिया भट्ट भी इस समय काफी बेहतरीन फिल्मों में नजर आ रही हैं। कलंक हो गया, राजी हो गई, अभी उनकी मूवी आने वाली ब्रह्मास्त्र, तो कहीं ना कहीं वो भी जानती हैं कैसे अपनी अदा से लोग को दीवाना करें। कि कहीं ना कहीं पहले की मूवी की बात करें तो पहले की जो हीरोइंस होती थी बस वो ब्यूटी कोशेंट के लिए मान जाती थी। हाँ, पहले की मूवीज जब आती थी तो कभी भी एक्ट्रेसेस के एक्टिंग के बारे में नहीं बात की जाती थी, बस बात की जाती थी उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में या उनकी ब्यूटी के बारे में। तो लेकिन आज अब टाइम थोड़ा सा बदल चुका है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से बदल गया, लेकिन हाँ अब एक्ट्रेसेस की जो एक्टिंग होती है उसके बारे में भी बात करते हैं कि हाँ आलिया भट्ट ने अच्छी एक्टिंग की, दीपिका ने अच्छी एक्टिंग की, इसने अच्छी एक्टिंग की, तो एक्टिंग का भी फर्क तो पड़ता ही है। और सलमान खान के साथ मुझे लगता है कि आलिया भट्ट की जोड़ी हिट होगी। बिल्कुल, उनसे वो 27 साल छोटी है, लेकिन एज जस्ट नंबर, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बीच में एज डिफरेंस था उसके बावजूद उन्होंने शादी करी है, तो रियल लाइफ में कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना वो एक्टर से बेहतर कौन कर सकता है। सो ऐसे और डिस्कशंस और गपशप्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीवुड मिरर।